Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So today we are going to discuss the chapter in detail. So let's start. Before you read, so this is a story about a thoughtful and loving son, and he works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ये स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी बच्चे के बारे में है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है अपने पेरेंट्स के विशेस को फुलफ़िल करने के लिए, और इसी वजह से उसे कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलती है. कैसे मिलती है, चलिए लेट्स सी. तारोज रिवॉर्ड. अ यंग वुडकटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. All day long, he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. अब क्या होता है, एक वुडकटर रहता था जिसका नाम है तारो. वो अपने पेरेंट्स, अपने मदर और फादर के साथ रहता था. पूरा दिन वो क्या करता था, वुड को चॉप करता रहता था. चॉप करने का मतलब होता है कट इन टू पीसेस, टुकड़ों में काटना. ठीक है, दो ही वर्क वेरी हार्ड, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, बट फिर भी वो बहुत कम पैसे जो था वो कमाता था, जिसकी वजह से This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his parents everything they needed. क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो उसको बहुत sad करती थी, क्योंकि वो एक बहुत जो था thoughtful son था, वो अपने parents की हर wish को जो था वो पूरा करना चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे जिसकी वजह से वो अपने parents की wish पूरी कर सके. ऐसे ही क्या होता है कि वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. क्या होता है, एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स जो हैं एक हट के कोनर में जब बैठे हुए होते हैं, तो एक बहुत तेज़ जो है हवा चलती है, एंड इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड. क्या होता है, विसल मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो घर के मतलब घर में जैसे आपने देखा ना, क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ उन दरारों में से जो है हवा पास होती हुई थी, ऐसा लगता है सीटी मारती हुई चलती है. ठीक है, और सबको बहुत ठंड लगती है. तो उस पर उसके फादर कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. अब वो कहते हैं उसके फादर की, काश मेरे पास एक सेक होता. सेक क्या होता है, एक जापनीज ड्रिंक होती है आपकी. ठीक है, तो जो आपकी जिसको पीते ही आपको क्या होता है, वार्म सा महसूस होता है, गर्म आपकी बॉडी में गर्मी आ जाती है. तो कहता है कि काश मेरे पास वो होता. सो दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर देयर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो ये सब कुछ सुन के जो है तारो और ज़्यादा दुखी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो सेक होता है, वो जो ड्रिंक होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, और उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो अपने आप से पूछता है, मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसके बाद कहता है कि मैं कैसे थोड़ा सा ही सेक अपने फादर के लिए ला सकता हूँ. तो वो डिसाइड करता है कि वो और ज़्यादा जो है हार्डवर्क करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अब क्या होता है, अगली सुबह जो है वो तारो जो है अपने नॉर्मल टाइम से और ज़्यादा जल्दी उठ जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, वो फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाता है. ही चॉप एंड कट एज अ सन क्लाइंब एंड एज सुन एज ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. अब क्या करता है, वो वहाँ पे जो है लकड़ियों को काटना शुरू कर देता है, काटता रहता है, और उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, मतलब ठंड के टाइम पे भी, कि वो अपनी जैकेट तक निकाल देता है. His mouth was dry, उसका जो माउथ है, मुँह जो है वो सूख चुका होता है. His face was wet with sweat, और उसका जो face है, sweat मतलब होता है पसीना, वो बिल्कुल पसीने से जो है वो भीग चुका होता है. My poor old father, he thought he if only he was as warm as I. ठीक है, वो अपने ये सब कुछ सोचकर जो है वो अपने फादर के बारे में ही सोचता रहता है. देन विद वट दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर एंड थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स. अब वो क्या कहता है, ये सब कुछ सोचने पर वो और ज़्यादा तेज़ी से जो है काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि थोड़ा ज़्यादा काम करेगा तो जिसकी वजह से थोड़े ज़्यादा पैसे उसे मिलेंगे, और वो अपने फादर के लिए वो सेक जो है वो खरीद पाएगा. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. उसके बाद कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से वो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है. वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड एंड कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. मतलब वो कहता है ये कैसी आवाज़ है, क्या ये रशिंग मतलब पानी के बहने की आवाज़ है.
Taru could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty, and the eggs dropped out of his hands, and he ran in the direction of the sound. अब क्या होता है कि उसको कभी मतलब ये चीज़ याद भी नहीं होती कि उसने ऐसी चीज़ें पहले कभी सुनी भी हैं या अपने फॉरेस्ट में कभी देखी भी हैं. उसको वैसे ही प्यास लग रही होती है, वो जल्दी से जो है उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो उसको नीचे फेंकता है और जल्दी से जो है वो साउंड की डायरेक्शन को फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है. तारो सो ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल in his hands and put it to his lips. अब वो क्या करता है, जब वो वहाँ पर पहुँचता तो देखता है वहाँ पर बहुत सुंदर जो है, ठीक है, एक रॉक के पीछे, पत्थरों के पीछे जो है बहुत सुंदर जो है वो झरना है, बहरा है. ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है ये एक रॉक के पीछे. वो क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे करके आगे बढ़ाता है और वहाँ पर थोड़ा सा पानी लेता है और उसको जब पी के देखता है तो देखिए क्या होता है. वॉज इट वाटर, कि क्या ये पानी है, या वॉज इट से, कि क्या ये ड्रिंक है. He tasted it again and always it was a delicious sake instead of cold water. और जब भी वो बार बार टेस्ट करता है तो वो क्या देखता है कि वो कोई पानी नहीं है बल्कि वही वो जापनीज ड्रिंक है, सेक है वो. So Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. उसके पास क्या होता है, आपको यहाँ पे घड़ा दिख रहा होगा जो मड का बना हुआ होता है मिट्टी से, तो जल्दी से वो क्या करता है इसको भरता है और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो जाता है. द ओल्ड मैन डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है आपका हैप्पी विद द सेक. अब वो क्या करता है, जब वो उसके फादर जो हैं उस चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. सो आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. जैसे ही वो क्या करते हैं एक घुट भरते हैं तो उनकी शिवरिंग मतलब उनका जो कम कपाना, जो उनकी कम कपाहट है, कांपना जो है वो बंद हो जाता है, वो थोड़ा सा डांस करना जो है वो शुरू कर देते हैं. उस दिन क्या होता है कि दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. उनके घर में कोई नेबर आती है, ठीक है. तारोस के फादर क्या करते हैं, पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक. उसको क्या करते हैं, एक सेक का कप ऑफर करते हैं. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, वो लालचियों की तरह जो है उसको पी लेती है एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उनका थैंक्स करती है. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल एंड थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. अब क्या कहता है, अब तारो तो वैसे ही बहुत अच्छे नेचर का होता है, ठीक है, बहुत अच्छा दिल होता है उसका, तो वो हर चीज़ जो है उस लड़की को बता देता है, मतलब उस औरत को बता देता है. ऐसे ऐसे करके जो है वाटरफॉल था, उसमें से पानी की जगह जो है सेक निकलता है, तो इतना सब कुछ कहकर जो है वो थैंक करती है उसको. वो जल्दी से जल्दी जो है वो निकल जाती है और वो क्या करती है, सारी की सारी न्यूज़ को जो है वो पूरे के पूरे गाँव में जो है स्प्रेड कर देती है, फैला देती है. That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter's house. अब क्या होता है कि जब विजिटर्स को जैसे जैसे उसके नेबर्स को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो उसके घर में आते हैं. किस लिए आते हैं, उस ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए क्या आते हैं कि क्या उसने सच्ची में वो सेक है या सिर्फ ऐसी मजाक. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. ठीक है, हर मैन जो है कोई ना कोई जो है आता है वहाँ पे उसको पीता है और एक आधे घंटे के अंदर जो था वो पूरा का पूरा जो पोट था वो पूरा का पूरा पिचर जो था वो बिल्कुल खाली हो गया. Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned for he intended first of all to go to the waterfall. अब क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो और ज़्यादा जल्दी उठ जाता है और अपने साथ और ज़्यादा बड़ा घड़ा लेता है. वो सोचता है कि सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, उस मैजिक वाटरफॉल में जाएगा. बट आगे जाके क्या होता है कि when he reached it he found it to great surprise all the neighbors there. वो जब भी पहुँचता तो वहाँ देखता है उसके तो सारे पड़ोसी तो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे होते हैं अपने साथ पिक्चर्स लेकर, जार्स लेकर, बकेट्स लेकर, मतलब कुछ भी वो चीज़ लेकर, जो भी चीज़ जिसमें वो भरकर ला सकते हैं, हर चीज़ जो है उनके हाथों में होती है, ठीक है. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हेज, अब वो झुकता है उसका एक विलेजर और अपने हाथ में क्या कहता है, थोड़ा सा पानी लेता है और उसको वो पीता है. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंगरली, वाटर, नथिंग बट वाटर. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. अब वो क्या करता है, जब वो पीता तो वो चिल्लाता है गुस्से के मारे कि अरे ये तो सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है. जब उसके बाकी लोग भी जो हैं जब उसको टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये सच में सिर्फ पानी है, यहाँ कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं है.
वी ऑल हैव ट्रिक्ड, मतलब हमें चीट किया गया है, हमें धोखा दिया गया है. शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाते हैं. वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. वो कहते हैं कि तारो कहाँ है, चलो उसको जल्दी से यहाँ लेकर आते हैं और उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. अब वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होता है, बुद्धिमान जिसको हम कहते हैं वाइज, वो चुपके से जो है पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है. एंड व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड. ठीक है, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. मटर मतलब अपने आप में फुसफुसाना, ऐसी बातें करना. द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. अब ऐसा करके जो है, धीरे धीरे करके जो है, विलेज जो गाँव के लोग होते हैं वो एक 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 करके जो है वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं. उसके बाद तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे वो छिपा हुआ होता है वहाँ से वो बाहर निकलता है. वॉज इट ट्रू ही वॉन्टेड, वॉज द सेक अ ड्रीम. उसने कहा कि क्या ये सच है, कि मतलब वो जो सेक था, वो जो जापनीज ड्रिंक था, क्या वो सच में एक सपना था या वो हकीकत था. सो वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन टू हिज लिप्स, इट वॉज द सेम फाइन सेक. अब वो क्या करता है, जैसे उसने कहा चलो एक बार फिर से टेस्ट लेते हैं, जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता है और उसको टेस्ट करता है, अरे वो तो फिर से वही जापनीज ड्रिंक है. सो टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक एंड टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. अब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो वो मैजिक वाटरफॉल है, जिसको हम कह सकते हैं चमत्कारी झरना, वो क्या करता है, वो सेक सिर्फ तारों को देता है और बाकी सबको सिर्फ नॉर्मल वाटर प्रोवाइड करता है. सो द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. उसके बाद क्या होता है कि उसकी ये स्टोरी और उसकी एक झरने की स्टोरी जो है जापान के एम्परर के पास पहुंचती है. एंड ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड. अब उसके बाद क्या होता है कि वो उसके पास क्या करते हैं, उसको इनाम देते हैं 20 पीसेज ऑफ गोल्ड का, गोल्ड के सिक्कों का. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा जो है पर्सन होता है. बट देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. उसके बाद जो क्या करते हैं, वो उस सिटी का जो सबसे सुंदर जो फाउंटेन होता है उसका नाम जो है वो तारो के नाम पे ही रखते हैं. क्यों? क्योंकि दिस सेड दैट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. ये इसलिए ताकि हर बच्चे को मोटिवेशन मिले यही देख कर कि हमें भी तारो जैसा ही बनना है, हमें अपने पेरेंट्स का ओबे करना है, उनका ऑनर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट हमें नहीं करनी है. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड आपको क्या करने हैं, इसके साइड में जो भी आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं. ओके, एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.